सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। न्यूज़ बफ में आपका स्वागत है और आज जिन शख्स से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, पहली बात तो उन दोनों को ही कोई जरूरत। भाई कैसा लगा फाइनली दिल्ली का राजा भी जो है, मतलब सॉरी मुंबई का राजा दिल्ली में आके राज कर गया, कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लग रहा है मैच जीत के, और ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा मैच जीत के, बुरा नहीं लगेगा। बट बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ गई आज के मैच में। बहुत नया होता है इस तरह का स्टेडियम, पूरा माहौल ही अलग है। आप चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप इस तरह की लाइट्स में, इंडोर में, ऑडियंस आप नहीं कर रहे थे, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट आज हम लोगों ने हमारी स्ट्रेंथ भी पता चली, हमें वीकनेस भी पता चली, और वन साइड जीतने के बाद भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग और सेटिस्फाइड करना चाहते हैं खुद को। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें आपको लगेगी ठीक होते हुए। भाई आप क्या सोच के आए थे, रनआउट हो गए, कितना सोचा था? नहीं सच बोलूं तो मैं चाहता ही था कि मैं बहुत ही लेट जाऊं। आज मैं ऑर्डर में ऊपर नहीं जाना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं खुद भी टीम को देखूं, बिकॉज ये लोग दो तीन हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं नहीं था इनसे, मैं मिला भी आज ठीक से पहली बार हूँ पूरी टीम से। सो आई वॉन्टेड टू सी ऑल्सो कि भाई मैं खुद भी जानना चाहूँगा, देखना चाहूँगा एज अ कैप्टन, मुझे चाहिए कौन कितना पानी में क्या है। एंड आई थिंक एवरीवन इज डूइंग ग्रेट जॉब। आपको क्या लगा आप कितने पानी में हैं? क्या मैं मेरा उतारा ही नहीं ना, मैं समंदर में भी उतरा ही नहीं हूँ, समझ रहे हो, मैं तो समंदर पे उतरा ही नहीं, मैं किनारे पे था और ये लोग लेके आ गए ट्रॉफी। लेकिन तो इसमें बहुत अच्छा नहीं था कि प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं चल पा रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी, हाथ नीचे कर लो थोड़ा सा। भाई सीरियसली व्हाट प्रैक्टिस हर टीम ने की है, मुन्ना ने पहले भी बोला था हर टीम यहाँ पे जीतने आई है, बट व्हाट मैटर्स इज कि टूर्नामेंट का स्टार्ट एक विक्ट्री से हुआ है, आई थिंक उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बट हाँ ऑफकोर्स इसको ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं करना है हमें, हमने बहुत कुछ सीखा है पहले मैच से, बहुत कुछ सीखा है। फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मनोहर भाई, जितना आज क्रेडिट्स आपके साथ और इतना प्यार मिल रहा है, विदाउट प्रैक्टिस की भी कह रहे थे कि मनोहर भाई को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रॉफी तो ढूंढ ली, प्रैक्टिस करी नहीं है। बट यही है कि आज मुझे प्रैक्टिस भी नहीं थी, एंड लुक मैं भी चाहता था कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ क्या, मुझे अभी समझ में आ रहा है क्या गेम है कैसा है, तो मैं शायद अभी ऊपर जाऊँगा। प्लस हमें बॉलिंग में भी समझ में आ गया कि हमारी क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, हमें बैटिंग में भी समझ में आ गया कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज़ें, तो ये फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी था। और सच बोलूँ तो आप देख लो ये प्रैक्टिस ही था मेरा पहला मैच। जोंटे रोड्स को याद दिला दिया आपने, जो आपने आज फील्ड करी है बाउंड्री पे जो छलांग लगाई है वो वायरल हो गया वीडियो आपका। बस उड़ता हूँ भाई मैं ग्राउंड पे। भाई लास्ट एल्विश और कल अभिषेक के साथ मैच है, उनकी कितनी प्लानिंग है? कल फुकरा के साथ मैच है, आज हम लोगों ने उनका बैटिंग देखा, बॉलिंग देखा, वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी टीम है। कल का मैच बहुत क्लोज और क्रेजी होने वाला है, वेरी एक्साइटेड। गारंटी नहीं है क्रेजी होने वाला, हाँ बट मजेदार होगा। एल्विश कह रही है आप छुप के मैच देख रहे थे उनका, एल्विश कौन सा छुपना क्यों है भाई, छुप के क्यों देखेंगे भाई, नहीं छुप के नहीं देख रहे थे, मैं तो खुद ग्राउंड पे आया था मैच देखने के लिए, बट ऑडियंस जो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी वो सोच के मैं सोचा कि वापस चले। इससे पहले इंटरव्यू की मैंने आपकी वीडियो डाली तो उसमें आ रहा है कि ट्रॉफी तो डोंगरी आने वाली है इसकी। भाई ये मैंडेटरी है, ये चीज मैंडेटरी है, ये पैकेज डील है जिसमें घुसते हैं फिर ट्रॉफी लेके जाते हैं। कैप्टनसी की कोई स्पेशल प्रिपरेशन, कोई धोनी की वीडियो या रोहित से इनपुट कुछ? नहीं भाई वो तो वॉट लेवल है, वो सब कुछ है ना, वो सब कुछ नहीं है। मैं क्वालिटी क्या आई, वो आपको टीम से पूछना चाहिए, मैं वो ज्यादा बेटर आंसर दे पाएंगे। The trust he had in his team, I think, उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। And also मुझे लगता है कि मैं टीम वाले खुश रहे, बस सब हम खुश रहे, सब लोग हंसते रहे, फन में करें, सब बहुत दोस्ती रहे और टीम में, and I make sure कि सब लोग एक दूसरे से बहुत। Last question, बिल्कुल आपने जैसे देखा कि weak point दिखा आज, क्या weak point दिखा आज की बैटिंग में आपको? हमारी बैटिंग में वीक पॉइंट नहीं दिखा, हमें लगा कहाँ पे कुछ इम्प्रूव कर सकते, वही चीज लगी कि हमने जीतने के बाद हमने ये नहीं सोचा कि हमने क्या कर दिया, हमने यही सोचा कि हम और क्या कर सकते थे, और वही चीज़ें हमने पॉइंट्स बना के रखी है और वो कल के मैच में। थैंक यू।